एवरीवन, तो गुड मॉर्निंग। तो मिली जुली किचन में आप लोग का स्वागत है और प्यार भरा नमस्कार है। तो यहाँ पे मैं देखिए बहुत ही अच्छी और सेहतमंद रेसिपी लेकर आई हूँ। बच्चों बड़ों सबके लिए बहुत ही सेहतमंद है और बहुत ही फायदे वाली है। तो यहाँ पे मैं लाई हूँ, आप लोग को दिखाने जा रही हूँ बनाकर, ये चुकंदर का पूड़ी। बहुत टेस्टी और बहुत ही यम्मी, और यम्मी के साथ साथ हेल्दी भी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं 3 ठो चुकंदर ली हूँ, और आप लोग तो जानते ही हैं कि चुकंदर कितनी फ़ायदे वाली चीज़ है। इसे सबको ही खाइए और सेहतमंद रहिए। और इससे क्या है कि ये ब्लड तुरंत आती है, ये जो चुकंदर है डायरेक्ट खून बनाती है। तो ये चीज़ तो आप लोग को सेवन करना ही करना चाहिए, और किसी तरह से किसी रूप में सेवन कीजिए, पर सेवन कीजिए। बच्चे जिस तरह से इसे पसंद करें उसी तरह से बनाकर इसे खिलाएं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं चुकंदर को छिलका उतार रही हूँ। इसी तरह से सारे छिलके मैं उतार लूँगी तीनों चुकंदर को। और बहुत ही बनाने में आसान रेसिपी है और बच्चे बहुत चाव से खाते हैं, तो आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और पता ही नहीं चलेगा बच्चे लोग को कि ये चुकंदर की पूड़ी है। तो आप लोग मेरे कहने पर ज़रूर बनाइए और खाइए और मस्त रहिए। तो मैंने सोचा कि मैं बना रही हूँ तो आप लोग के साथ शेयर करूँ। गाइज, मैं जो भी बनाती हूँ आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, ये नहीं है कि मैं नहीं शेयर करती हूँ। मेरा रेसिपी आप लोग को कैसी लगती है ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, तभी तो मैं जानूँगी कि मेरी रेसिपी आप लोग को कैसी लगती है और क्या चीज़ का रेसिपी आप लोग को चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये 2 और आधा थोड़ी सी गली हुई निकल गई थी तो मैंने उसे छोड़ दी। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं ही इसे काट लेना है, और काट के इसे क्या करना है मैं आप लोग को बताती हूँ। लाइन पे बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और गाइस वीडियो फुल देखिएगा तो मुझे भी सपोर्ट मिलेगी, मुझे भी व्यूज की ज़रूरत है, आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो थोड़े ध्यान दो और मेरा सपोर्ट करो कि मैं कुछ भी करूं। और गाइस मैं एक बात और बताती हूं कि मैं 2-3 दिन में कुछ कम वीडियो डालूंगी, आप लोग परेशान मत होइएगा, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो इसलिए हो सकती है कि मैं 1-2 दिन रेसिपी की वीडियो नहीं भी डाल सकती हूँ। ऐसे तो कोशिश करूँगी कि मैं डालूँ। और यहाँ पे ली हूँ गेहूँ का आटा, उसमें ली हूँ मंगरेला जमाइन, स्वाद अनुसार नमक डालना है, थोड़ी सी धनिया पाउडर डालना है, थोड़ी सी जीरा पाउडर डालना है, और थोड़ी सी तीखापन के, क्योंकि चुकंदर मीठा होती है ना, तो थोड़ी सी मिर्ची पाउडर डाल के इसे मिक्स कर दें। और अच्छे क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ पे थोड़ी सी रिफाइन या घी डालें, जो भी डालें, रिफाइन डालें या घी डालें, पर थोड़ी सी क्रिस्पी अच्छी खिला खिला बनाने के लिए, यहाँ पे टेस्ट बढ़ाने के लिए रिफाइन डालें या फिर घी डालें। तो देखिए यहाँ पे रिफाइन डाल रही हूँ, और जो मैं चुकंदर को पीसी थी मिक्सर में वो मैं डाल रही हूँ, और अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। तो इसमें जितना पानी लगेगा उतना ही पानी डालिएगा, धीरे धीरे पानी डालिए। और बहुत ही आसान रेसिपी है गाइज, आप लोग चाहें तो इसे रोज़ भी खा सकते हैं, कभी रोटी बनाकर, कभी पराठा बनाकर। मैं सब चीज़ का, पराठा का भी रेसिपी डालूंगी और इसका रोटी का भी रेसिपी डालूंगी। तो देखिए इस तरह से डो रेडी कर लेना है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे क्या होगा, वीडियो आप लोग के पास जल्दी पहुँचेंगी और मुझे भी सपोर्ट हो जाएगी। तो गाइज मैं तो कितनी बार बता चुकी हूँ, आज भी बताती हूँ, हर वीडियो में बताती हूँ कि मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट करो, आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे मैं कुछ भी नहीं करूँगी। तो ऐसे लोई ले लेना है, और लो लेके जैसे हम लोग पूड़ी बनते हैं उसी तरह से इसे बेल लेना है। तो देखिए इसी तरह से मैं सारे पूड़ी को बेल ली हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ गई हूँ गैस की, और गैस पे कढ़ाई में मैं रिफाइन चढ़ा दी थी, तो ये गर्म हो चुकी है। और देखिए यहाँ पे मैं पूड़ी डाल दी हूँ, तो देख रहे हैं कितनी यम्मी यम्मी रेड रेड पूड़ी बन के रेडी है। बच्चे को पहली पसंद होगी, आप लोग बना के ट्राई करके ज़रूर दीजिएगा। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी खिली है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। तो देखिए गाइस
कितनी अच्छी पूड़ी बनके रेडी है, और मैं इसी तरह सारे पूड़ी बना लूँगी, तो आप लोग लाइन पे बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। और कहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हैं ये भी बताइएगा, और क्या चीज़ का वीडियो चाहिए मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं सारे पूड़ी बना ली हूँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि पूड़ी की रेसिपी कैसी लगी। तो इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं। तो मिलती हूँ इसी तरह नए वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए देखिए कितनी अच्छी मुलायम पूड़ी है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।